हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो टोर्नेडो। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेबी पोटैटो। अगर आपके पास छोटे नहीं हो तो आप थोड़े बड़े पोटैटो भी ले सकते हैं। उसके बाद उसको आपने ऐसे रोल करते हुए काटना है ताकि जब हम इसमें स्टिक्स लगाएं तो वो थोड़ा सा अच्छी तरह फैल जाए। नहीं तो आप पहले भी इसमें जो स्टिक्स आती है वुडन, वो उसमें डाल के उसके बाद आप नीचे रख के भी इसको गोल गोल काट सकते हैं। मुझे इस तरह इजी लगता है, मैंने इस तरह काटा है। चलिए सभी कट करके उसके बाद उसमें ऐसे टूथपिक लगा लेनी है। मेरे पास बड़ी वाली नहीं थी स्टिक्स, तो मैंने ये दोनों छोटी वाली टूथपिक लेके इसी से काम चलाया है। इस तरह आपने पतली पतली स्लाइस फैला लेनी है। लंबी वाली स्टिक्स हो तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह कटते हैं और ज़्यादा फैल जाते हैं। ये मेरे पास छोटी थी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इस तरह आपने काट लेने हैं सारे। उसके बाद ऑयल को गर्म रख देना है और थोड़ा मीडियम आंच पे ऐसे इसको डीप फ्राई करने हैं। जब आप ये बन जाएंगे तो इसका टेस्ट एकदम भुने हुए आलू की तरह आता है। खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं ये स्नैक्स। मीडियम आंच पे ये अच्छी तरह पक भी जाते हैं और लाल भी हो जाते हैं, क्रिस्पी अच्छी तरह बन जाते हैं। इनको पलट देना है बीच में। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो इनके ऊपर डालने के लिए आपने एक तरफ प्लेट में मसाला मिक्स करके रख लेना है, जिसमें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया मसाला और चाट मसाला, ये सारे आपने थोड़ा थोड़ा मिक्स करके रख लेना है। चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डालना है। इनको थोड़ा टाइम लगता है तलने में क्योंकि ये कच्चे ना रहें, अच्छी तरह गल जाएँ। देखिए इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ मसाले। ये अच्छी तरह क्रिस्पी और लाल हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। और ये जो मसाला बनाया है इनको अच्छी तरह पूरे पे मिक्स कर देंगे। इसको आप सिंपल सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं और ग्रीन वाली पुदीने की चटनी भी आप साथ में बना सकते हैं। दोनों तरह ये इनका टेस्ट अच्छा लगता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।